मैं अभी आया ये वाली लोकल ट्रेन से 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर। अभी मुझे जाना है 18 नंबर प्लेटफॉर्म पर। अभी टाइम हो रहा है अप्रोक्स 5 o'clock। सुबह हो गया यार, लेकिन मैं अभी तक सोया नहीं, बिकॉज ऑफ मैं पूरी रात भर ड्यूटी कर रहा था। 3:30 बजे ड्यूटी खत्म हुआ, ड्यूटी से आके नहा धो के निकल गया घर जाने के लिए। भाई ईद है, ईद पे तो घर तो जाना पड़ेगा ना। भाई आज मैं जर्नी करने वाला हूँ गीतांजलि एक्सप्रेस मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से हावड़ा तक। अप्रोक्स 2000 किलोमीटर का दूरी है। तो भाई इस तरफ एक्सप्रेस ट्रेन का 14, 15, 16, 17, 18 इस तरफ है, तो अभी मैं जाता हूँ। और ये इधर का नज़ारा देख सकते हो भाई, ऐसा फील लग नहीं रहा है कि कोई स्टेशन है, कोई एक एयरपोर्ट जैसा लग रहा है। देखो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म भी अच्छा है और यहाँ पे वेटिंग एरिया वगैरह है, वहाँ पे आके आप लोग रह भी सकते हो। मैं पास में रहता हूँ इसलिए तो आ गया। कोई कोई दूर रहता है तो सुबह आना पड़ेगा, शाम को तो वो लोगों को रात को आना पड़ेगा, रात को आके यहाँ पर रुकना पड़ेगा। रुक के उसके बाद सुबह 6 बजे ट्रेन है, तो लोग यहाँ पे आके रुक भी सकते हैं। तो भाई इस ट्रेन का होल्ड है अप्रोक्स 24-25 होल्ड है। भाई देखते हैं ट्रेन कब तक पहुँचती है, टाइम पे या डिले, क्योंकि मैं 3-4 दिन से ट्रेन ऑब्जर्व कर रहा था। मतलब वेयर इज माई ट्रेन, जैसे वो सब ट्रेन कैब वगैरह है, इसमें मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि ट्रेन कितना डिले पहुँच रहा है। तो देख रहा हूँ कि तीन चार दिन से कंटिन्यू में देख रहा हूँ कितना डिले हो रहा है। तो देख रहा हूँ कि कभी 3 घंटा 4 घंटा इतना डिले हो रहा है, लेकिन आज देखता हूँ मेरा ट्रेन कितना डिले हो रहा है। 18 नंबर प्लेटफॉर्म छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में 18 ही प्लेटफॉर्म है। उधर तक कितना है, उधर तक आपका लोकल के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतना तो आपका लोकल तक है, और बाकी इस तरफ एक्सप्रेस के लिए। देख सकते हो यहाँ पर एक एक्सप्रेस ट्रेन ऑलरेडी लगा हुआ है और अपना ट्रेन आने वाला है। और ये जो गीतांजलि एक्सप्रेस है हर दिन सुबह 6 o'clock छोड़ के जाती है। अभी टाइम हो रहा है 5 o'clock और गीतांजलि एक्सप्रेस मेरा ये पहला ट्रेन जर्नी नहीं है, ये मेरा दूसरी, क्योंकि मैं जब फर्स्ट मुंबई में आके जब मैं पहली बार घर गया था मुंबई से, तब मैं इसी गीतांजलि एक्सप्रेस से आया था। वो तभी वीडियो वगैरह नहीं बनाता था, लेकिन अभी बनाता हूँ इसलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई अभी बात है कि इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या दिखने के लिए मिलेगा। तो भाई इस वीडियो में आप लोगों को दिखने के लिए मिलेगा तो भाई शिवाजी महाराज टर्मिनल से हावड़ा तक ट्रेन जर्नी, और मैं जा रहा हूँ भाई 3rd AC में और RAC, क्योंकि मैं 1 महीना पहले टिकट लिया था, फिर भी वेटिंग था, 2 दिन पहले RAC हुआ, तो RAC में अभी तक सीट नंबर वगैरह भी आ गया। तो भाई RAC में मैं कैसे जाता हूँ, भाई देखो इतना बड़ा मेरे पास बैग भी है, तो कैसे जाता हूँ, तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, कौन सी स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, तो सब पूरा डिटेल्स आप लोगों को दिखने के लिए मिल जाएगा। तो मेरा भाई शामिल है दिखाने के लिए। भाई ट्रेन भी आ गया, वाह क्या बात है, 1 घंटा पहले। ये देखो भाई 5:02 हो रहा है, अभी अपना ट्रेन भी आ गया, अपना ही ट्रेन है ना, पता नहीं मुझे अपना ही होगा। ओ भाई अपना ही ट्रेन है, ये देखो गीतांजलि एक्सप्रेस ट्रेन नंबर हावड़ा टू CST। तो भाई ये देखो ये वाला जनरल कोच है, तो ये भाई लोग भी शायद जा रहे हैं घर, और ये लोग जनरल कोच है, तो जनरल कोच के पास में अभी जनरल कोच में इतना गर्दी होता है, तो इसलिए ये लोग पहले ही, ये देखो भाई बहुत गर्दी हो रहा है यार, तो ये लोग भी जाए अच्छे से। भाई अभी मेरा सीट नंबर किधर है देखता हूँ, मेरा सीट नंबर कितना है वो भी मुझे, मैं देखा नहीं, मैं ड्यूटी पे था यार, तो अभी मैं सिर्फ देखा कि मेरा सीट नंबर आ गया है, इतना मैसेज आया मुझे हायर सीट से। तो अभी देखता हूँ मेरा सीट नंबर कितना है। भाई मेरा सीट नंबर है B155। देख सकते हो बाहर से तो कोच मस्त है, B1 और 55 इधर रहेगा क्योंकि RAC है। तो भाई ये देखो यहाँ पे 49 से 56 इधर, तो इधर ही मैं बैठूंगा आई थिंक, ये RAC है। भाई ट्रेन तो बाहर से देखने के लिए तो मस्त लग रहा है, चलो अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। और भाई साहब एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को ज़्यादा स्किप वगैरह मत करना, पूरा डिटेल्स आप लोगों को दिखाऊंगा गीतांजलि एक्सप्रेस का और RAC टिकट का भी आप लोगों का भी RAC हुआ है कि नहीं वो भी कमेंट करके बताओ, और RAC में क्या क्या सीन होता है सब कुछ दिखाऊंगा। RAC इन फ्यूचर आपका हो रहा है
अब कभी कोई ऐसा भी है कि मेरे आपका ट्रेन है दो दिन के बाद और मैं आप आरएसी आपका टिकट तो आप देख रहे हो, तो वो लोग भी अच्छे से देखना। तो चलो अभी ट्रेन के अंदर चलते हैं। तो भाई ये है अपना ट्रेन। वाह अच्छा अच्छा है, चलो अंदर चलते हैं। तो भाई ये देखो मेरा सीट 55। तो देखते हैं मेरा आगे वाला कौन आता है। और ये तो मेरा सीट है, मतलब मैं इधर बैठूँगा। तो ये रहा मेरा सीट। और दूसरे में तो ये ऐसा लिनन मेरे साथ आज पहली बार पड़ा है। दो लिनन है यार, ये तो घुसा दिया अंदर। ऐसा लिनन मेरे साथ पहली बार पड़ा है क्योंकि मैं जितनी बार सफ़र किया ऐसा खींचा हुआ लिनन रहता था। ऐसे एग्जिट है, मतलब एक खींचने से ये ओपन हो जाता है आई थिंक, पता नहीं मुझे। और भाई ट्रेन के बारे में क्या बताऊँ, ट्रेन तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये तो भाई ट्रेन के अंदर चद्दर और पिलो भी देखा है, लो भी रखा है और इधर चद्दर भी रखा है। तो देखते हैं जानने कैसा रहता है। ट्रेन तो अच्छा है भाई, चलो अभी बाथरूम जाके देखते हैं बाथरूम कैसा है। तो भाई ट्रेन का बाथरूम की बात करो तो पहली बात ओ माँ कसम हैंड वॉश निकल रहा है और इसमें भी पानी आ रहा है और ट्रेन उतना गंदगी है नहीं। और डोर के बाहर का इंटीरियर भी सही है, ये मिनर भी मस्त क्लीन है और इधर सिस्टम वगैरह इसी का। तो भाई राइट टाइम पे ट्रेन तो छोड़ दिया 17 बजे शिवाजी महाराष्ट्र से। तो भाई टाइम ट्रेन तो राइट टाइम पे 17 बजे शिवाजी महाराष्ट्र से निकल गई, लेकिन देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितना डिले होता है। टाटा मेरी जान बॉम्बे मुंबई मेरी जान टाटा, मिलते हैं बहुत जल्द, देखते हैं कभी रिटर्न आएंगे। और भाई इसका फर्स्ट स्टॉप ही से दादर, उसके बाद है कल्याण। तो चलते हैं, मैं मेरा सीट पे जाके बैठता हूँ यार, बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही हूँ। तो भाई फाइनली दादर स्टेशन। तो भाई फाइनली दादर स्टेशन भी छोड़ दिया। दादर स्टेशन पे 2 से 3 मिनट का हॉल्ट रहता है। दादर स्टेशन छोड़ते ही देखा क्लीनिंग करने लगा, इतना जल्दी क्लीनिंग देख के दिल खुश हो गया, क्लीनिंग बहुत अच्छा मेंटेन कर रहा है। उसके बाद मैं सो गया था। कल्याण का भी क्रॉस किया, नासिक का भी क्रॉस किया, मुझे पता ही नहीं चला यार। उसके बाद मेरा नेल खुलता भेलपुरी वाला के आवाज़ से। मैं तो भेलपुरी नहीं खा रहा हूँ, बस वीडियो बना रहा हूँ यार, बिकॉज रोज़ा है तो अभी तो मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 12:40, तो इस ट्रेन डिले है अप्रोक्स 1 आवर। तो अभी ट्रेन देख सकते हो जलंजंग जंक्शन करके एक स्टेशन है, जलंजंग जंक्शन भी छोड़ दिया। ट्रेन तो 1 घंटे का ऊपर डिले है और मुझे तो लग रहा है कि 2 घंटे ऊपर जाएगा, लेकिन देखते हैं रात को किस्त है कि नहीं। और बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, ऐसे बाहर खड़ा हो तो हवा आ रहा है, सब गर्मी गर्मी हवा बहुत गर्मी हो रहा है। अंदर आके देख रहा हूँ मेरा आरएसी का सीट पार्टनर भी आ गया और ये भाई लोग देखो इतना लगेज लेके आया, मेरा सीट के ऊपर ही लगेज रख दिया। तो भाई अभी आके पहुंचे भोसाबल जंक्शन और मैं सुना है यहाँ के केला बहुत फेमस है, आके ही पता चल गया। ओके आप देख सकते हो
क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक केला वाला, यहाँ पे से मुझे दो दो दिख रहा है केला वाला। यहाँ के केला तो है बहुत फेमस यार, लेकिन मैं खरीद नहीं रहा हूँ। और इसके बाद 50 किलोमीटर दूर मालकापुर जंक्शन पे। भाई जर्नी तो ओवरऑल सही है गीतांजलि एक्सप्रेस का, लेकिन ये ट्रेन लेट चल रही है, वही प्रॉब्लम रह गई मुझे। बाकी सब सही है, साफ सफाई वगैरह भी हो रहा है ट्रेन के अंदर, साफ सफाई वगैरह भी हो रहा है, ट्रेन के कोच वगैरह भी अच्छा है। सब लोग यहाँ पे आके केला ले रहा है यार, इतना फेमस है। देखो हावड़ा पूरा इधर रेड रेड रेड, सब रेडी है। अभी अपना ट्रेन आगे पहुंची है सी गांव। ओ भाई साहब रश देखो यार, सब जनरल में भाग रहे हैं और जनरल में जगह ही नहीं है। जितना लोग इधर है उधर ही आपका एक जनरल भर जाएगा एक बॉगी, और जनरल में पहले से जगह नहीं है। तो भाई फाइनली शेरगांव तो पहुंच गए, और शेरगांव पहुंचे हम लोग पूरे एक घंटे डिले पे। और भाई मैं सुना यहाँ के कचौरी बहुत फेमस है, लेकिन कचौरी तो दिख नहीं रहा है कि वीडियो में आप लोगों को दिखाओ, क्योंकि मैं हूँ सबसे लास्ट में यार, पीछे दो चार ही बॉगी है। ये जो ठेला दिख रहा है ये ठेले में कचौरी बेचते हैं, यहाँ की कचौरी बहुत फेमस है। तो भाई हरी झंडा दिख गई और अपने ट्रेन भी चल पड़ी। तो भाई पूरा 580 किलोमीटर दूरी कंप्लीट करके अपना ट्रेन आके पहुंच गई है अकोला जंक्शन पर। यहाँ से आप लोग हावड़ा सिकंदराबाद मुंबई ये सब जगह पे अकोला जंक्शन से आप लोग जा सकते हो। अकोला जंक्शन छोड़ने के बाद मैं और मेरा सीट पार्टनर आईपीएल देखने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क हमारा साथ नहीं दे रहा था। अपनी ट्रेन पूरी 659 किलोमीटर का दूरी कंप्लीट करके पहुंच चुकी है बंतीरा जंक्शन, और यहाँ पे ट्रेन डिले है अप्रोक्स 50 मिनट्स। अभी तक तो एक घंटे के ऊपर ही से डिले चल रही है अपनी ट्रेन, देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं और कितना डिले होता है। उसके लिए वीडियो को आप लोगों को कंटिन्यू देखना। इफ्तारी का टाइम नज़दीक आ रहा था और मैं दातुन लेके मेरा दांत क्लीन का कोशिश कर रहा था। तो भाई अभी वर्धा करके एक स्टेशन है, और यहाँ पे चल रहे हैं इफ्तारी की तैयारी, और 15 मिनट के बाद इफ्तारी का टाइम है, और यहाँ पे ट्रेन अप्रोक्स एक घंटे से ज़्यादा डिले है। 2000 years later. तो भाई अभी टाइम हो रहा है 8 o'clock, और अपनी ट्रेन पूरे एक घंटा डिले के साथ पहुंच गई है नागपुर जंक्शन। और भाई अपनी ट्रेन के बाजू वाले प्लेटफॉर्म में एक ट्रेन है भारत गौरव ऐसा कुछ लिखा है, और इसमें बहुत कुछ लिखा है कि देखो अपना देश, इसका इंटीरियर देखो बाहर का, तो मस्त लग रहे। कौन सा ट्रेन है पता नहीं यार, मुझे तो देख के पता नहीं चल रहे, आप लोगों को बताए तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। लेकिन अच्छा दिख रहा है इसका पीछे का पूरा, ये देखो ना इधर ताजमहल, इधर कोई किला है, इधर इंडिया गेट, उधर और एक है दिल्ली का, सब दिल्ली का है इधर का। ट्रेन कौन सा है पता नहीं, लेकिन इसका बाहर का इंटीरियर बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई इसके बाद और एक स्टॉपिस है बांद्रा करके, उसके बाद है गोंडाई, उसके बाद है गोंडाई जंक्शन। तो गोंडाई जंक्शन महाराष्ट्र का लास्ट स्टॉपिस है इसी ट्रेन का। तो भाई आज IRCTC से खाना मंगाया था, तो इसका पैकिंग तो अच्छा है, लेकिन देखते हैं अंदर का खाना कैसा है। पहले आपको सैनिटाइजर वगैरह दिया है, और इधर सब डिटेल्स वगैरह है, और इसका नेम वगैरह जो इसके अंदर है, चपाती, थोड़ा राइस, दाल, पनीर की सब्जी, आलू जीरा सलाद, टिश्यू और स्पून, बस
बहुत है मेरे लिए। ट्रेन का जो खाना है उससे तो अच्छा लग रहा है यार, लेकिन टेस्ट करके देखते। भाई गीतांजलि एक्सप्रेस में तेजस द्रोण से भी कम नहीं है यार क्लीनिंग में। भाई अभी टाइम हो रहा है 10:22, अभी पहुँचा है घोड़ाई जंक्शन पर और अपनी ट्रेन पूरे 1.5 घंटा डिले है। तो भाई घोड़ाई भी छोड़ दिया और देखता हूँ कितना टाइम लगता है पहुँचने के लिए। सब लोग सो गया और मैं जग रहा हूँ यार। टाइम कितना हो रहा है? टाइम 1:00 कुछ हो रहा है। And a half hours later. Platform number 2 पर आ चुकी है। भाई अभी टाइम हो रहा है 12:51 और अपनी ट्रेन 1100 किलोमीटर का दूरी तय करके आगे पहुंची है रायपुर जंक्शन। यहाँ पे होल्ड है ओनली 5 मिनट्स और भाई ट्रेन डिले है अप्रोक्स 1.5 घंटा। मतलब टाइमिंग था 12:30 बजे कुछ और हम लोग पहुँचेंगे 2 बजे कुछ, तो देखते हैं रात को कितना कवर होता है। भाई ये लोग देखो टीटी के पीछे ऐसे घूम रहा है कि मधुमक्खी घूम रहा है, क्योंकि सब लोग पूछ रहा है सर एक जगह कर दो, एक जगह कर दो, एक जगह कर दो। बहुत मुश्किल है यार। तो भाई अपना ट्रेन भी छोड़ दिया है तो चलो चढ़ जाते हैं। और ये वाली कोई और एक एक्सप्रेस आई है। ये भी हावड़ा है यार, ये भी हावड़ा जा रही है। ये अहमदाबाद से आ रही है और अपना मुंबई से। ओ भाई जनरल में देखो कैसा हालत है यार। Day 2. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो एक अनजान स्टेशन पे अपना ट्रेन रुकी थी 1 घंटे से ऊपर से और अपना ट्रेन भाई डिले है अप्रोक्स 3 घंटा। तो भाई 3 घंटे के बाद अपना ट्रेन तो छोड़ दिया और इसका नेक्स्ट स्टॉपेज है राउरकेला करके। तो भाई अभी तक तो राउरकेला पहुंचा नहीं है, फिर से और एक अनजान जगह पे खड़े हैं भाई सब। तो अपना ट्रेन डिले है अप्रोक्स 3.5 घंटा। मतलब कितने बजे पहुंचेंगे हम लोग? 3:30-4 बजे कुछ पहुंचेंगे। मुझे तो लगता है 4 बजे से पहले पहुंचेंगे ही नहीं ट्रेन। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो भाई पूरे 4 घंटा 40 मिनट के बाद हम लोग पहुंच गए हैं राउरकेला। राउरकेला है उड़ीसा का 3rd largest बिग सिटी। तो हम लोग पहुंचेंगे कितने बजे पता है क्या? 4:30 बजे के बाद कुछ। तो मुझे नहीं लगता कि 4:30 बजे पहुंच पाएंगे, क्योंकि ट्रेन इतना रुक रुक के चल रही है ना, मुझे लग रहा है कि 5-6 बज जाएगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इसी पर ट्रेन का पैसेंजर लोग कैसे नहा रहा है सब। আর কতদিন ওষুধ খাবেন দাদা? এটা খাবার জিনিস নয় বাবু, জায়গায় বসে থেকে লাগে। इनको देख के तो लग रहा था कि वेस्ट बंगाल के अंदर घुस गया, लेकिन भाई नहीं, हम लोग अभी तक झारखंड में ही थे। तो भाई पूरे 4.5 घंटे का डिले के साथ अपना ट्रेन आगे पहुंची है टाटानगर जंक्शन पे। झारखंड का ये लास्ट स्टॉपेज है, इसके बाद आएगा खड़गपुर जो कोलकाता में है। और अपनी ट्रेन तो पूरी 4.5 घंटा लेट है यार। अभी तो दिखा रहा है ट्रेन आपका 4:30 बजे तक पहुंच जाएगी, लेकिन देखते हैं कितने बजे पहुंचेगी। और इधर गर्मी बहुत हो रहा है यार, मुंबई से भी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे है। तो बदन जल रहा है बाहर आया तो ऐसा लग रहा है। वाटर बैंक पे देखो पानी लेने का लाइन कितना लगा है।
बहुत गर्मी है यार। तो भाई पूरे 1848 किलोमीटर का दूरी तय करके आपने ट्रेन आके पहुंची है खड़गपुर जंक्शन। यही वो खड़गपुर जंक्शन है जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी जॉब किया करता था जो मूवी में दिखाया गया था, यही वो खड़गपुर जंक्शन। और भाई यहाँ पे डिले है अप्रोक्स 4 घंटा 50 मिनट 4 घंटा डिले है यार। देखते हैं कब तक हावड़ा पहुँचेंगे। अभी तक तो दिखा रहा है 5:21 को हावड़ा पहुँच जाएगी ये ट्रेन, लेकिन देखते हैं 5:20 को पहुँचती है कि उससे भी लेट करते हैं, ऐसा उससे जल्दी घुसते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखते रहना लास्ट तक। फाइनली खड़गपुर जंक्शन छोड़ दिया भाई, कल सेकेंड लास्ट स्टॉपेज है छत्रगाछी जंक्शन, वो भी छोड़ दिया। अभी अपना हावड़ा जंक्शन आने वाला है, यहाँ पे तो बहुत पैसेंजर उतर गया यार। तो भाई अपनी ट्रेन छत्रगाछी छोड़ने के बाद 5 घंटा 12 मिनट डिले है और फिर भी एक जगह पे रुक गई है, हिले और देखते कब। मेरा भी ट्रेन है यहाँ से, मैं हावड़ा से सियालदह जाऊँगा, सियालदह से मेरा घर जाने का फिर से और एक ट्रेन है, 3 घंटा कुछ लगेगा। तो ट्रेन देखते हैं कब तक हावड़ा पहुंचती है, ट्रेन तो बहुत डिले हो रहा है यार, 5 घंटा सोच सकते हैं। तो भाई अपनी ट्रेन हावड़ा स्टेशन घुसने से पहले ही रुक गई है, आधा घुस गई है आधा बाहर ही है। भाई जल्दी चलो यार। तो भाई लगेज वगैरह लेके तो आ गया बाहर, लेकिन ट्रेन भाई अभी तक रुकी हुई है। शायद से इसी के लिए अपना ट्रेन अभी तक रुकी हुई थी। तो भाई इतना इंतज़ार करने के बाद फाइनली हावड़ा स्टेशन। अभी मुझे जाना है भाग भाग के, बिकॉज अब मेरा रैपिडो वाला वेट कर रही है। देखो हावड़ा अपना बंगला। तो भाई फाइनली हावड़ा स्टेशन, अभी चलो भाग भाग के क्योंकि आधे घंटे में मेरा सियालदह से ट्रेन है और क्या, और अभी टाइम और अपना गीतांजलि एक्सप्रेस पूरे 5 घंटा 30 मिनट लेट आके पहुंची है हावड़ा। तो इस ब्लॉग को करते हुए यहाँ पर एंड, मिलते हैं बहुत जल्द एक नया ब्लॉग के साथ। भाग भाग के जाता हूँ रैपिडो वालों के पास, उसको भी ढूंढना पड़ेगा यार। तो चलो मिलते हैं। तो वीडियो को नया कोई देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो यार, और भी ट्रेन का ब्लॉग आने वाला है और भी एक बहुत अच्छा प्लान भी है यार बाहर जाने के लिए, मतलब घूमने का, उसका भी ब्लॉग आ रहा है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।